अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 1, ठीक, ज्योग्राफी। इसमें हमने पॉपुलेशन ग्रोथ डेंसिटी ऑफ इंडिया पढ़नी है। तो इसमें हमने कल डेंसिटी के बारे में कुछ पढ़ा था, तो आज हम इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशनल ग्रोथ मतलब सिंपली अगर आप यही देखोगे, दो जो ये यूज कराया इन्होंने टर्म पॉपुलेशन ग्रोथ, मकसद कुछ नहीं, मतलब कुछ मतलब सिंपल है। इसमें पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक, वही डिस्कस करनी है। अगर हम से फॉर एग्जांपल कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 1900 में 1 करोड़ थी, तो 1950 में कितनी है? अगर 1.5 करोड़, ठीक, तो इससे हमें पता चला कि इतनी ग्रोथ हुई है। ये आगे जाके हम पढ़ रहे हैं कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है कितनी बड़ी, फेज वाइज में पढ़ना है हमें। एक पहला वाला फेज जो था उस टाइम में कितनी बड़ी, फिर दूसरा जो फेज था उस टाइम में कम हुई कि ज्यादा हुई, यही हमें इसमें पढ़ना है पॉपुलेशन ग्रोथ में। पॉपुलेशन पॉपुलेशनल ग्रोथ रेफर्स टू द ग्रोथ इन पॉपुलेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक कितनी ग्रोथ हुई है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन कितनी बड़ी है तो पॉपुलेशन ग्रोथ, कम हुई है तो उसमें देखेंगे कि कम क्यों हुई है, अगर ज्यादा हुई है तो ज्यादा कितनी हुई है, अगर बैलेंस्ड रही है, ठीक, अगर ना ज्यादा बड़ी है और ना ज्यादा कम हुई है तो वो भी देखते हैं कि नहीं, इस वाले पीरियड में यहाँ की पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी वो स्टेडी एक अच्छे टाइम पीरियड से गुजरी है। तो आप देख सकते हो फेज वाइज इंडिया की जो पॉपुलेशन ने ग्रोथ किया है, फेज वाइज इंडिया की जो पॉपुलेशन ने ग्रोथ करा है, फेज नंबर 1 1901 से लेकर 1921 तक, ये जो फेज था, ये जो पॉपुलेशन का फेज था, ये इट वाज द पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट। एक ऐसा पीरियड जिसमें पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम रही, क्योंकि इसमें हाई बर्थ रेट था लेकिन यहां पे मोर्टेलिटी रेट भी, हाई डेथ रेट भी था। बिकॉज ऑफ क्यों, इतना क्यों था, पुअर हेल्थ। इलिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, तो ये जो पहला फेज था 1901 से लेकर 1921 तक, ये 20 साल इस वाले पीरियड में, ये पीरियड था स्टैग्नेंट। इसमें पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो उतना बड़ा नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ा नहीं, इसमें हाई बर्थ रेट था, नो डाउट हाई बर्थ रेट था, लेकिन साथ में मोर्टेलिटी रेट भी, हाई डेथ रेट भी था, क्योंकि इसमें क्या कौन से बेसिक ये थे, पुअर हेल्थ था, इलिटरेसी थी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। तो गवर्नमेंट की तरफ से तब उतनी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मुहैया नहीं कराई जाती थी, ठीक। इसके बाद 1921 से लेकर 1951 तक एक और फेज आता है, इस फेज में इंप्रूवमेंट होती है।
इस फेज में क्या होती है, अब ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, इस वाले फेज में एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होती है पॉपुलेशनल ग्रोथ में, जो हमारी पॉपुलेशन है अब जाके कहीं ना एक पटरी पे आती है, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक, लैक ऑफ जो हेल्थ फैसिलिटीज थी, इंप्रूवमेंट है हेल्थ फैसिलिटीज जो होती है ना, इंफ्रा अब बढ़ जाता है टू सम एक्सटेंट, हेल्थ फैसिलिटीज जो होती है बेटर होती है। ठीक, लिटरेसी टू सम एक्सटेंट बढ़ जाती है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आया, लेकिन उतना इंप्रूवमेंट नहीं आया जो उसके बाद वाला फेज आप अभी देखोगे उसमें, उसको कहते हैं कि फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो उस टाइम पे उस वाले फेज में सबसे ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है। जो फेज थर्ड है 1951 से लेकर 1981 तक, दिस इज द फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इस वाले पीरियड में, इस वाले टाइम पीरियड में इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इस डबल हो गई। डबल कितनी हो गई, जितनी थी, जितनी पहले थी। तो इस वाले पीरियड में इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई, एक्सप्लोड हो गई, क्योंकि क्या हुआ इस वाले टाइम में, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर थी, लिटरेसी थी बेस्ट थी। ठीक, और साथ में माइग्रेशन भी हुआ, उसका भी इंपैक्ट रहा। माइग्रेशन हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई, एजुकेशन लिटरेसी बढ़ गई, और जो मोर्टेलिटी रेट थी, डेथ रेट थी, वो कम हो गई। जब हेल्थ फैसिलिटी बढ़नी है, जब हेल्थ फैसिलिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट थी, जो डेथ रेट थी, अब वो कम हो गई, वो रुक गई, जिसकी वजह से बहुत कम हो गई मॉर्टलिटी रेट, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया। ठीक, पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ गई और माइग्रेशन भी, पाकिस्तान से भी माइग्रेट आ गए, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से और तिब्बत से भी, यहां से भी जो माइग्रेंट्स थे, जो पाकिस्तान बांग्लादेश से माइग्रेशन करके हमारे इंडिया आ गए, तो उसकी वजह से भी, उसका भी इंपैक्ट इस वाले पीरियड में रहा। तो इस वाले पीरियड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई इंडिया की पॉपुलेशन, जो ये थर्ड फेज था। तो आप याद रखना, ये 1951 से 1981 तक, तो इस वाले टाइम पीरियड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया में हो गया। ठीक, इसके बाद वाला फेज जो अभी चल रहा है, फेज फोर्थ, ...1981 से प्रेजेंट तक जो अभी फेज चल रहा है, फोर्थ फेज, इसमें फिर से स्टडी आ गए, आराम से अब पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, इसमें एक्सप्लोजन नहीं हुआ। इन्होंने मेजर्स ले लिए, बहुत सारे इन्होंने इसमें मेजर्स यूज करे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं इन्होंने रोक दिया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाज स्टॉप्ड। पॉपुलेशनल एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस वाले फेज में कहीं ना कहीं पे कंट्रोल हुआ है। नो डाउट यहाँ पे मॉर्टलिटी रेट कम, ये जो बर्थ रेट भी ठीक,
ना मॉर्टल रेट ज्यादा ना बर्थ रेट ज्यादा, लेकिन बर्थ रेट तो ज्यादा होने के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे पॉलिसीज एडॉप्ट कर ली। जैसे चाइना की अगर आप देखोगे, चाइना ने वन पॉलिसी एडॉप्ट कर दी, तो यहां पे भी पॉलिसी तो इतनी वन पॉलिसी हमने अडॉप्ट नहीं कर ली, लेकिन इन्होंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिगार्डिंग हमें लिटरेट कराया, लोगों को सिटीजन्स को, लोगों को नॉलेज दे दी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, और लिटरेसी आ गई, हेल्थ फैसिलिटीज अब बेटर हो गई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ था तो उसमें कंट्रोल आ गया। लेकिन नो डाउट इंडिया की पॉपुलेशन जो खुद में ही ज्यादा थी, अगर इसका 1% बढ़ जाता है तो वो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, वो भी पॉपुलेशन में एक इम्पैक्ट डालता है, पॉपुलेशन उसकी वजह से भी बढ़ जाती है। लेकिन रीजनल वेरिएशन भी है इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, अगर आप देखोगे इंडिया में रीजनल वेरिएशन पॉपुलेशन में, ये वाला बेल्ट साउथ इंडियन स्टेट्स, ठीक, इसमें गोवा, यहां पे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और यहां पे पुडुचेरी, इस वाले रीजन में अगर आप देखोगे 20 साल में, दो डेकेड्स में सिर्फ 20% ही पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशनल एक्सप्लोजन एज कंपेयर टू ये नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये वाला रीजन, इसमें यूपी भी आएगा, इसमें बिहार भी आएगा, उत्तराखंड भी आएगा, ठीक, वेस्ट बंगाल भी आएगा, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, ये वाले स्टेट, आसाम, इस वाले रीजन में अगर आप देखोगे इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अभी भी हो रहा है, इसमें अभी भी पॉपुलेशन एज कंपेयर टू साउथ इंडियन स्टेट से ज्यादा बढ़ रही है। यहां पे आप देखोगे 25% से ज्यादा, 25% तक पॉपुलेशन पिछले डेकेड्स में बढ़ गई है। अगर यहां वही देखोगे 20% ऑलमोस्ट टच हुआ है, लगभग 20% टच हुआ है, 20% की पॉपुलेशन बढ़ गई डिकेट्स में, लेकिन यहां पे आप देखोगे 25% प्लस जो है टच हुआ है ये वाला रीजन, क्योंकि ये वाला रीजन जो है नॉर्थ इंडियन बेल्ट है ना, ये जो ज्यादातर फर्टाइल एरिया है, तो यहां पे प्रेफर भी करते हैं लोग यहां पे रहना। और यहां पे आप देखोगे, यहां पे न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में कल हमने पढ़ा था पॉपुलेशन डेंसिटी में 11,297 लोग रह रहे 1 स्क्वायर किलोमीटर में। वहीं पे अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहां पे 17 ही लोग रह रहे 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहां पे इंडिया में खुद में एज ए इंडिया एज ए होल अगर हम देखते हैं, तो यहां पे रीजनल वेरिएशन भी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। एक एरिया में आप देखोगे बहुत कम लोग रह रहे हैं, और एज कंपेयर दूसरे एरिया में देखोगे हद से ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो ये था हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आज का, तो होप आप इसको समझोगे। थैंक यू।